बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू शाह कुकिंग रिज़ॉर्ट। दिस इज़ शेफ फारिस। आज आपके साथ वेरी स्पेशल सीजनिंग टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ आप ये मसाला तैयार कर सकते हैं। एक दफ़ा ये मसाला इस्तेमाल करें एंड आई एम श्योर इसकी खुशबू और टेस्ट की वजह से आप दोबारा से ये मसाला बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। टाइम वेस्ट किए बगैर स्पेशल टिक्का तंदूरी मसाला बनाते हैं। एक फ्राई पैन लें और स्टोव को ऑन कर लें। फ्लेम स्लो रखें ताकि मसाले एकदम से ना जलें। इस फ्राई पैन में आप डालें सूखा धनिया 3 टेबलस्पून, ज़ीरा 2 टेबलस्पून, अजवाइन 1 टेबलस्पून, लौंग 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर सीड 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, सूखी मेथी 1/2 टीस्पून, 2 छोटी इलायची के दाने ले लीजिए, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, जावित्री के 2 स्टैंड ले लीजिए, ड्राई रेड चिली 4-5। इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करें। उसके बाद इसमें शामिल कीजिए सॉल्ट 1/2 टीस्पून, हल्दी का पाउडर 1/2 टीस्पून, चाइना सॉल्ट 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। जब मसालों को फ्राई किया जाता है तो फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए ताकि मसालों का कलर चेंज ना हो। कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं जिनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। चंद सेकंड के लिए फ्लेम पर रखें, फिर स्टोव बंद कर दें और मसालों को ठंडा कर लें। ग्राइंडर में मसाले डालकर इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। शाही तंदूरी टिक्का सीजनिंग मसाला तैयार है घर में बहुत ही आसानी से। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए आप इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। इसको किसी भी एयर टाइट जार में स्टोर करें, इससे मसाला ख़राब नहीं होगा। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दें एंड लीव अ कमेंट। तो मोर वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दिया करें। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।